वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जीतू मिश्रा। आज मैं ये वीडियो फिर लेके आया हूँ आपके पास। मेरे पास पैर से रिलेटेड, छोटे बड़े पैर से रिलेटेड सबसे ज्यादा लोग क्वेश्चंस पूछते हैं, कमेंट पूछते हैं, और सबसे ज्यादा वॉच्ड वीडियो भी है। उस वीडियो का लिंक इसी सेक्शन में डाल दूंगा और आप सब देख सकते हैं। मुझसे सवाल पूछते हैं पूरे एरिया से कि मेरा पैर आधा इंच छोटा है, एक इंच छोटा है, दो इंच छोटा है। मैं ये कई बार जवाब दे चुका हूँ, इसका बहुत सिंपल सा इलाज है, मैंने वीडियो में बताया भी हुआ है। आपको मेजर करना है इंची टेप से, इंची टेप लेना है, नाभि से नापना है, और जैसे कि हमारे पास जो पेशेंट है उनका अभी देख सकते हैं पीछे से कि आप इस तरह से भी नाप सकते हैं। देखिए, देखिए साफ साफ देखने में पता चल रहा है। तो इनका पैर करीब डेढ़ इंच छोटा है। इसके लिए हमने इनको दो चीजें बताई हैं और ये चीज हम आपको पहले वीडियो में बता चुके हैं कि कैसे मेजर करना है, वो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियो देख सकते हैं किस तरह से मेजर किया जाता है। अब इसकी वजह से क्या होता है कि इनका ये जो लेफ्ट पांव है ये छोटा है डेढ़ इंच, इसकी वजह से सारा वजन जाता है इस सीधे पांव पे, सारा वेट। तो ये जब चलते हैं इनको पता नहीं चलता क्योंकि हिप इनकी उठी रहती है, शोल्डर थोड़े से ऊपर नीचे रहते हैं। इसी चीज को हम आपको आगे वीडियो में दिखाएंगे, वीडियो को देखते रहिएगा। आपके जो भी क्वेश्चन है हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। और देखिए हम कायरोप्रैक्टिक से इसको कितने आराम से काफी हद तक और बेटर कर सकते हैं, ये भी देखिएगा कि अगर ये डेढ़ इंच का है तो करीब आधा इंच या पौना इंच तक हम इसको एडजस्टमेंट से बेटर कर सकते हैं। क्योंकि ये कई बार मसल्स यहाँ पे टाइट हो जाती है बैक पे, स्पाइन पे, तो हम इसको जैसे ही रिलीज करेंगे काफी कुछ ये एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर बचेगा तो हम इसमें इंसोल देंगे या जूते में एक रेस लगा के दिया जाता है थोड़ा सा। तो हमारे पास काफी सारे पेशेंट्स आते हैं फार इंडिया के दूसरे कॉर्नर से, नॉर्थ ईस्ट से, राजस्थान से, साउथ से, बहुत सारे फोन्स आते हैं। तो आप देखते रहिएगा, आपने अभी ये देखा ही है कि कितना ये पैर छोटा है डेढ़ इंच के। अब मैं आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट दिखाता हूँ, एडजस्टमेंट के बाद फिर देखते हैं, रिलैक्स करेंगे, धीरे छोड़ेंगे। नाइस, कैसा लगा? ठीक है ना? अब देखिए, देखिए डिफरेंस दिखाओ नरेंद्र, क्लोजली दिखाओ। अभी सिर्फ मैंने अपर बैक का किया है और देखिए कितना इंप्रूवमेंट आ चुका है टाइट बैक की वजह से। अब मेरी तरफ टर्न करेंगे, रिलैक्स छोड़ देंगे। ओके नाइस, बैक इतनी ज्यादा स्टिफ है कि खुल भी नहीं रही है। रिलैक्स, अब आप देख सकते हैं कि ये क्लियरली साफ साफ नजर आ रहा है कि ये जो साइड है ये उठी हुई है। इसका मतलब कि ये मसल्स काफी वीक हैं क्योंकि यहाँ इसका सारा वेट इसकी तरफ जाता है, तो ओवर वेट पड़ने की वजह से ये सारी चीजें टाइट हो चुकी हैं। हमने इसीलिए इनके देखिए लेग्स में कर्वेचर भी बनने लगा है। ये जो कर्वेचर बनने लग गया है ये भी इसी की वजह से है। तो आप में से भी किसी के साथ मेरे फेस कर लेंगे, आप में से भी किसी कोई भी ऐसी दिक्कत हो, सिमिलर प्रॉब्लम हो, तो आप हमसे जरूर कांटेक्ट करें। आपकी सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे मैं सॉल्व करूंगा जो भी बेस्ट हो सकता है। बट अगर आप बहुत दूर बैठे हुए हैं तो इस वीडियो को देख के काफी सारी चीजें सीख सकते हैं कि कैसे इसको ठीक किया जा सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, कीप कॉमेंटिंग इफ यू हैव मोर एंड मोर क्वेश्चंस। थैंक यू।